हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आमिर हुसैन और आज हमारे पास है महिंद्रा TUV जिसका बम्पर एक साइड से पूरा कट गया है। हम इसको प्लास्टिक वेल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, बम्पर को हमने रिमूव कर लिया है और अब हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कितना फटा हुआ है, कट गया है एकदम। और हम इसमें हीट गन का यूज़ करेंगे और प्लास्टिक वेल्डर का, जिसमें हम इसको ये मैश है, मैश का यूज़ करने वाले हैं। और ये प्लास्टिक स्टिक है जो हमें बम्पर रिपेयर करने में इस्तेमाल करनी है। हम ये स्टिक यूज़ करेंगे और ये मैश यूज़ करेंगे। और हमने ऑन कर दिया। सबसे पहले तो हम हीट गन से ये जो बैंड है इसको सही करेंगे। देखिए, वेल्डिंग वर्क इसका फिनिश हो गया है। यहाँ पर हमने ये पूरा वेल्डिंग किया है इसमें मैश लगा के, और अब हमारा बाहर का काम इसमें बैलेंस है। ये हमें सब गैप को भरना है और ये लेवल करना है, इस तरीके से गैप को बंद करना है और ये सब पीस लेवल करने हैं।
ये फॉग लैम्प का ब्रैकेट भी इसका टूट गया है और ये फॉग लैम्प के क्लैंप है दोनों, तो अब हम ये इसको भी वेल्डिंग करेंगे। बम्पर को प्लास्टिक वेल्डिंग करने के बाद हमने इसको फिट कर दिया है। फिट हमने इसलिए किया है क्योंकि इसको हम सिर्फ आधा टचिंग करने वाले हैं, ये फुल पेंट नहीं है। फुल पेंट होता तो हम इसको पेंट करने के बाद फिट करते। तो अभी 80 ग्रिट की फेदरेजिंग के बाद इसको पुट्टी करेंगे और फिर प्राइमर करेंगे और बाद में डायमंड वाइट कलर करेंगे। फ्रेंड्स, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा बम्पर का ये कॉर्नर कितना ज़्यादा डैमेज था, तो हमने इसको प्लास्टिक वेल्डिंग किया है और उसके बाद पेंट किया है। पेंट सिर्फ बम्पर कॉर्नर पेंट किया गया है, सिर्फ इतना। और आप देख सकते हैं कि टचिंग में मालूम नहीं पड़ता है कि बम्पर टचिंग किया गया है, कोई ज्वाइंट भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इधर में भी हमने पेंट किया है जिसका हमें पेमेंट नहीं मिला, लेकिन बस हमने इसको कस्टमर को हैप्पी करने के लिए थोड़ा सा ये कॉर्नर कर दिया ये लाइन, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैच थे। तो आपको हमारा वर्क कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।